आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलर से। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हाँ जी मैम, मैंने बात करनी है डॉक्टर साहब से। पहले तो आप अपना नाम बताइए, कहाँ से बात कर रही हैं? हम चंडीगढ़ से बोल रहे हैं, मेरा नाम मीरा है। जी बताइए, सवाल कीजिए, आपको सुन रहे हैं हकीम साहब। हाँ जी मैम, मेरे ना भाई है ना, उनको सिर में ना बड़ी मतलब ऐसे चक्कर आते हैं, घूमते हैं तो आंखों में अंधेरा हो जाता है उनके। ठीक है, कई दवाइयां करवा ली, सिटी स्कैन वगैरह मतलब सब कुछ करवा लिया, कुछ आराम नहीं मिल रहा। 2 दिन ठीक रहते हैं फिर वैसे ही हो जाता है। आंखों का टेस्ट भी करवा लिया तो कुछ समझ नहीं आता क्या हो रहा है उनको क्या नहीं। और पहले से काफी वीक हो गए हैं, उनका वेट भी कम हो गया है। 3-4 महीने हो गए उनको इस तरह ही होते हुए। क्या उम्र कितनी है भाई की आपके? भाई की उम्र बताइए। हेलो, आपके भाई की एज कितनी है? उनकी एज है 48। ठीक है, देखिए फिक्र मत करिए, आपके भाई आसानी से ठीक हो जाएंगे। ये कई कॉल इस तरह के आए मेरे पास जब से, अगर आप बहुत पहले से देख रहे हैं टीवी तो मेरी एक्सरसाइज देखी है आपने? आप कॉल पर हैं क्या? अगर नहीं देखी तो मैं दोबारा एक्सरसाइज करके बताता हूँ। और ये एक्सरसाइज बहुत कीमती है, और यही हो रहा है कि किसी को चक्कर आते हैं तो कोई आंखों का टेस्ट कराता है, कोई दिमाग का टेस्ट कराता है, लेकिन ये एक रोग बहुत ज़्यादा फैला है जिसे सर्वाइकल कहते हैं। सर्वाइकल हमारे गर्दन के यहाँ की हड्डी में एक रग दबने से होता है, जिसमें चक्कर भी आते हैं, सर दर्द भी होता है, मोंढ़े में दर्द भी आ जाता है, पूरे हाथ में भी दर्द आ जाता है। इसका एक बहुत अच्छा इलाज है, आप 10 दिन करके देख लें। देखिए ये मोंढ़े से मिलाना आपको, नहीं भी मिले मेरा तो मिल जाता है, आपका नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, आपका जितना हो ऐसे करते रहिए, दिन भर करते रहिए, और जितना भी आपको वक्त मिले ऐसा करना है। और एक ये एक्सरसाइज, ये ठोड़ी यहाँ से पकड़ें, ऐसे मोड़ दीजिए, ऐसे एक करते रहें जितना आपके बस की हो करिए। और ऐसे देखिए, ये आप हैं और ये बेड है, बेड के पैरों की तरफ जहाँ पैर जाते हैं उधर लेटना है, ऐसे ही गर्दन ऐसे लटका लेनी है ऐसे, और पूरा शरीर ऐसा रहे सीधा बिल्कुल, ऐसा लेटा रहिए 5-5 मिनट लेटेंगे, बहुत मज़ा आएगा और रोग वहीं से ठीक होना शुरू हो जाएगा। अगर ये आप करते हैं आपके भाई तो 8 या 10 दिन बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और ऐसे जो ऐसे लेटते हैं ना बेड से लगा के सर, ऐसे ना लेटें, और थोड़ा एहतियात करें, ऐसे ऐसे लेटते हैं टीवी देखते हैं तकिया लगा के, ऐसे बिल्कुल नहीं, बहुत एहतियात वाली ज़िंदगी गुजारें 10 दिन तक। 10 दिन में आपको विश्वास और फ़ायदा दोनों होगा, और महीनों करें, और कोई दवा की भी ज़रूरत नहीं है वैसे, और इसमें नर्व की ताकत की दवाएं बहुत फ़ायदा करती हैं। जी नेक्स्ट कॉलर हैं रामस्वरूप जोधपुर से हमारे साथ, स्वागत है आपका। जी मैडम नमस्कार। नमस्कार जी, आदाब जी। मेरा बेटा है 10 साल का, उनके आंखों में एलर्जी है। ठीक है, तो डॉक्टरों को दिखाया था, 2-3 साल हो गया वो लिक्विड है आंखों में डालने के लिए दे देते हैं, और बोल रहे हैं कि 13-14 साल का होगा तब तक ये एलर्जी ऐसे ही रहेगी, उनके बाद में ठीक होगी। अब क्या पता ठीक होगी नहीं होगी, आंखों में ऐसा लाल लाल है, वो ब्लैक वाला है ना, उनके बगल बगल में ऐसा व्हाइट व्हाइट सा है, वो सफेद सफेद टाइप वो रहता है आंख में, और खुजली भी आती है आंखों के अंदर, वो दिन में 10-15 बार कर लेता है, ऐसा लाल लाल रहती है आंख। ठीक, हाँ देखिए वैसे तो उसकी रिपोर्ट हमसे शेयर करें तो बहुत अच्छा है, और लेकिन आपने कॉल किया है तो बहुत अच्छा। मुंडी बूटी नाम से एक दवा आती है, मुंडी बूटी, ये गोल 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 होती है, बॉल्स दबाने से दबती हैं, छोटी बड़ी होती हैं, तो
चने या मटर की बराबर जो बॉल्स हैं वो दो लें और उसे पानी में भिगो दें कुछ देर, और एक गिलास पानी में उबालें इसे, और उबाल उबाल के इसे आधा कर लें पानी को, फिर छान के रोज़ाना एक बार इस बच्चे को पिला दिया करें। मुझे उम्मीद है कि उनको फ़ायदा मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर है सुबह झारखंड से हमारे साथ, स्वागत है आपका। नमस्ते। नमस्ते, बताइए। मुझे ना मतलब अपनी प्रेगनेंसी के बारे में पूछना है। ठीक है, सवाल कीजिए। हाँ मैम, जो मेरी पहली प्रेगनेंसी थी वो मुझे नॉर्मल आता मतलब हो गई थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन जब मैंने नेक्स्ट चांस लेना चाहा तो उसमें मतलब मेरे पेट में इन्फेक्शन हो गया था छोटी आंत में, जिसके कारण पेट में उसमें पस हो गया था और उसके कारण मेरी ट्यूब ब्लॉकेज हो गई। और उसके बाद भी मैम कभी मेरे को इशू रहा अभी तो एक ट्यूब ना क्रैक कर चुकी है मेरी एक ही ट्यूब है, तो क्या कोई ऐसा चांस है कि मतलब एक ट्यूब के कारण मतलब वो भी ब्लॉक है, तो कोई ऐसा उपाय घरेलू कि जिसके कारण वो ये ओपन हो जाए और मैं फिर कंसल्ट कर सकूं। ठीक है, आप अपनी लेडी डॉक्टर के मशवरे में भी रहिए और कोई इलाज वो कहते हैं तो उसे भी ले सकते हैं। और एक इलाज मैं आपको बताता हूँ, देखिए जैतून का सिरका आता है, जैतून का सिरका एक लीटर लीजिए, उसमें आधा लीटर लहसुन का जूस मिलाइए, आधा लीटर नींबू का जूस और आधा लीटर लहसुन का अदरक का नींबू का जूस आधा आधा लीटर मिलाइए, एक लीटर जैतून के सिरके में, और ये रात को आपको 3 चम्मच पीना है रोज़ाना, और गर्म पानी पीना है इसके बाद, और ये आप रोज़ाना जारी रखिए, मुझे उम्मीद है कि आपकी ब्लॉक नर्व खुल सकती है। तो चलिए सुभा जी, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, एक बार आप प्रयास करके देखिएगा, जो उपचार यहाँ पे हकीम साहब ने आपको बताए हैं ये करके देखिए, धीरे धीरे करके आपको रिलीफ ज़रूर मिलेगा और आपकी परेशानी ज़रूर दूर हो जाएगी। दर्शकों देखिए, हकीम अजमल खां अवार्ड से सम्मानित सबसे कामयाब हकीम और अपने कीमती समय में से आप सभी के सामने यहाँ पे आए हैं हकीम सुलेमान खान साहब जी, जो चाहते हैं कि आप लोग जुड़े, क्योंकि उन्होंने खुद देखा है कि लोग कितनी तकलीफ़ में रहते हैं, कितने दर्द में रहते हैं, क्योंकि वो जब दवाइयों पे निर्भर हो जाते हैं ना तो फिर उनके जीवन में और कुछ नहीं बचता है दर्द के सिवा। लेकिन जब आप लोग यूनानी पद्धति से जुड़ते हैं, आयुर्वेद से जुड़ते हैं, इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं और एक एक उपचार वैसे ही आप अपनाते हैं जैसे कि अभी आपको हकीम साहब बता रहे थे, तो आपकी जो बीमारी है वो जड़ से खत्म होनी है, लेकिन जुड़ना होगा उसके लिए आपको इस कार्यक्रम से, तो फोन उठाइए। इसी के साथ कुछ और कॉलर्स जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। काम करो। हेलो। हेलो जी, रंजना जी सवाल कीजिए। हाँ मैडम, मेरा बेटा 36 साल का है। ठीक है। उसके पूरी बॉडी में दर्द रहता है, अभी मतलब हो गया 15 दिन से उसके बॉडी में दर्द होता है। ठीक है। जैसे कि थोड़ा गर्दन में होता है, छाती के बीच में होता है और दोनों हाथों में होता है, कमर में भी होता है। अच्छा, शादीशुदा है? दर्द बहुत होता है। शादीशुदा बच्चा है? हाँ शादीशुदा है सर। ठीक है। तो देखिए, कम उम्र बच्चा है, अभी शुरुआत है और आगे जाके बढ़ सकता है ये दर्द, तो इसको एक बड़ी अच्छी रॉ मटेरियल आता है वो मिल जाए असली तो लेना, ये गोंद सियाह कहते हैं, काला गोंद नाम से एक गोंद आता है, जिसे बहुत तरह के गोंद आते हैं ना, हींग भी एक गोंद है, तो बादाम का भी गोंद आता है, तो कीकर का भी आता है, तो ये तो सब जानते हैं, लेकिन काला गोंद बहुत कम लोग जानते हैं, और नकली ना लेना, ये कड़वा होता है, जायके में बहुत कड़वा होता है, ब्राउन कलर का होता है, लेकिन इसे काला गोंद कहते हैं या गोंद सियाह कहते हैं हम अपनी ज़बान में,
ये खाली 100 ग्राम खरीद लें और आधा आधा ग्राम सुबह शाम खिलाएं, आप देखेंगे कि ये ख़त्म होने से पहले आपका बच्चे को फायदा होना मुमकिन है। प्रेम हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आपका। चलिए लगता है आपसे संपर्क हमारा टूट गया है, एक बार फिर से आप संपर्क साधने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपका कॉल लग जाता है तो बिल्कुल आपकी यहाँ पे हकीम साहब से बात होगी। दर्शकों देखिए, एक बात का आपको सभी को ध्यान रखना है, अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उस ट्रीटमेंट को आपको रोकना नहीं है, लेकिन जो आपको देसी नुस्खे बताए जाते हैं वो भी आपको करने हैं। क्योंकि जब आप देसी नुस्खे अपनाएंगे और कुछ ही दिनों में जब आप बेहतर महसूस करेंगे तो आप धीरे धीरे करके अपनी दवाइयों का सेवन कम कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन कोई भी चीज़ एकदम से नहीं छोड़नी है। जो परहेज आप लोगों को यहाँ पर बताए जा रहे हैं वो ज़रूर कीजिए, तभी आपको लाभ मिलेगा। इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर से बात कर लेते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो हेलो, नाम बताइए, कहाँ से बात कर रही हैं? डॉक्टर साहब से बात करनी है। मैम, डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी जी, आदाब आदाब, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ जी, नमस्कार जी। जी आदाब। डॉक्टर साहब, मुझे 3 साल पहले पैरालाइज हुआ था और अब मेरे को मतलब मैं चल नहीं पा रही हूँ, वॉकर से चलती हूँ। अच्छा, कौन से टाइम पैर में थोड़ी सूजन से आ जाती है, जहाँ पंजा होता है ना पैर की उंगलियाँ, और मैं चलने में मेरे थोड़ा घुटनों में भी दर्द रहता है। ठीक है, एज बताएं अपनी। मेरी एज 55 साल है। ठीक है, अच्छा देखिए, एक नुस्खा बना लीजिए, अलसी। अलसी आप जानते ही होंगे, 100 ग्राम अलसी लीजिए और 100 ग्राम आपको लेना है छोटी हड़। 100 ग्राम अलसी, 100 ग्राम छोटी हड़ और 100 ग्राम धनिया। फिर बोलता हूँ, 100 ग्राम अलसी, 100 ग्राम छोटी हड़, 100 ग्राम धनिया और 100 ग्राम गौंद स्याह यानी काला गौंद, ये मुश्किल से मिलेगा और असली लेना, ये नकली बहुत मिलता है। तो ये आप चारों चीज़ों को पाउडर बना लें और 1 ग्राम सुबह नाश्ते के बाद पानी से लें, और गर्म पानी हो तो बहुत अच्छा, और 1 ग्राम शाम को रात को खाने के बाद। अगर आप ये लेते हैं तो आपकी ये दोनों समस्याएं ठीक होना मुमकिन है। जी, अगले कॉलर से बात कर लेते हैं। हकीम साहब हमारे साथ सुधीर हैं असम से, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नमस्कार, बताइए। मैडम, मेरा समस्या ऐसा है कि मेरा एक्सीडेंट जो है से 1-2 बार हुआ है, तो माथा में जो है ज्यादा चोट लग गया है, तो दवा खाने से पेन वगैरह तो उतना होता नहीं है, लेकिन बात ऐसा है कि मेरा जो है सोचने का जो है थोड़ा कैपेसिटी, फिर याददाश्त का जो है ये सब मैंने मुझे प्रॉब्लम होती रहती है नहीं, तो इससे हम ज्यादा डिस्टर्ब महसूस करते हैं, जैसे कोई सोचना है, कोई याद करना है, कोई बात ये सब समझने का क्षमता, सोचने का क्षमता, ये सब हमको मेमोरी पावर में सब में प्रॉब्लम होते रहता है, तो इसके लिए कृपया मुझे कोई कोई उपाय बताए, दवा बताए। आपको डायबिटीज तो नहीं है? डायबिटीज तो नहीं है सर। ठीक है, अच्छा देखिए, जो चीज दिमाग से खून अच्छी तरह बहाती है वो चीज़ें खानी है आपको। उसमें एक चीज़ है अखरोट, अखरोट 2 अखरोट रोज़ाना तोड़ें अपने हाथ से, छिले छिलाए मत लीजिए, और 10 किशमिश कम से कम रोज़ाना चबा के खाया करें। और इसके मुतालिक दवा भी आती है, वो भी ले सकते हैं, ये घरेलू नुस्खा ट्राई करें, माजून अखरोट प्राश, ये दिमाग के और सेहत के का टॉनिक है, ये आप इसे ले सकते हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको फायदा मुमकिन है। जी, नेक्स्ट कॉलर हैं पुष्पा जालंधर से हमारे साथ, स्वागत है पुष्पा आपका। जी, सवाल कीजिए। हेलो। जी जी, जी। बताइए पुष्पा जी, आदाब। हेलो जी, जी बोलिए, आपको आवाज मिल पा रही है पुष्पा? आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? आप अपना सवाल कर लीजिए। हेलो। हाँ जी हाँ जी, इस उम्र आई 77 साल। जी, सवाल कीजिए, परेशानी क्या है आपको?
थायराइड है, बीपी है और शरीर में दर्द होती है, कमर जो बहुत है, गैस बहुत है। ठीक है, ब्लड प्रेशर के लिए लहसुन का इस्तेमाल करें, जीरे का इस्तेमाल ज़्यादा करें, अदरक या सौंठ का इस्तेमाल करें, या इन तीनों की एक पेस्ट सा बना लें, एक चटनी सी, और वो अपनी रोटी पे लगा के रोज़ाना एक दो रोटी पे जितना भी खाना खाते हैं वो खाया करें। इससे चर्बी कम होती है। ब्लड प्रेशर का ये इलाज। और क्या सवाल था इनका? इनके पैरों में दर्द रहता है, शायद थायराइड, थायराइड भी है इनको जी। अच्छा, देखिए थायराइड के लिए धनिया 300 ग्राम, आंवला 100 ग्राम और मेथी 100 ग्राम और गौन मोरिंगा 100 ग्राम, इन सबको मिला लें और पाउडर बना लें, एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम इस्तेमाल करें। ये अच्छे नतीजे देती है, अच्छे नतीजे देती है दवा थायराइड, इससे बेशतर लोगों का ठीक भी हो जाता है।